नमस्कार जी, ये देख पा रहे हैं आप, 2 दिन हमारे क्षेत्र में अभी लगातार बारिश हुई 2 दिनों तक। रात रात में बारिश हुई थी, दिन में तो ऐसी अंधेला छाया हुआ था। रात को फिर जैसे ही शाम होते हुए 7-8 बजते फिर रात को बारिश ही स्टार्ट हो जाती थी और ज़ोरदार रात भर बारिश होती थी। हमारे तरफ खेतों की जो है ये स्थिति बनी हुई है, रबी की क्रॉप है लेकिन लग नहीं रहा रबी का क्रॉप है, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी से खेत उथल पुथल हो गया। एक खेत से दूसरे खेत में जो है मेड़ों से पानी बाहर निकल जा रही है, देख पा रहे हैं। ये खेत मेरा पूरा तालाब के जैसे भर गया। ये हमारे ऊपर का खेत है, ऊपर के खेत में जी पानी की समस्या होती है, तो इधर पानी का ना दिक्कत नहीं है। नीचे साइड जो नाला है तो नाला उफान पे आ गया है, क्योंकि बारिश रात रात को होती थी रात भर, और नहर भी ऑलरेडी चल रही है, तो नहर की पानी जो सिंचाई वाली साथ में बारिश की पानी दोनों मिलके जो है डैम को पूरी तरह भर दिए। और जो है फिर देख पा रहे हैं इस ऐसा स्थिति पूरा खेत का बन गया है। धान पूरा खेत में डूबा हुआ है, करीब 24 घंटे हो गया, और लगभग ये स्थिति अभी 24 घंटे तक बने रहेगी। धीरे धीरे पानी का लेवल जो है डाउन होते जा रहा है, आज मौसम खुल गया है, पानी का लेवल डाउन होते जा रहा है। देख पा रहे हैं धान तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो पानी का लेवल जो डाउन होते जा रहा है, तो धीरे धीरे पानी का लेवल डाउन होगा तो धान की फसल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी बरसात के मौसम जैसे पूरी तरह से फसल भरी हुई है, एक खेत से दूसरे खेत में पानी चल रही है, देख पा रहे हैं आप, ऐसा टाइप का स्थिति बना हुआ है हमारे खेत में। किसान साथियों, अगर आपके तरफ भी बारिश हुई हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और आपकी फसल का क्या ख्याल है। कहते हैं रबी फसल में जो है अभी की अवस्था में धान की 60 से 65 दिन की ऐसे अवस्था में जो बारिश ऊपर से बारिश मिल जाए तो धान के लिए वरदान होती है। धान जो स्ट्रेस में होता है गर्मी के कारण वो दूर हो जाता है, धान में ऊपर से पानी मिलने से जो है हरापन आ जाता है, धान की ग्रोथ बढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ ऐसा तो हुआ है कि बहुत से किसानों को इसका फायदा भी होता है और बहुत से किसानों को जो है इसकी नुकसान भी झेलना पड़ता है, कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे जो नीचे वाले जो खेत है उसकी स्थिति इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ 3-4 एकड़ का प्लाट है हमारा, और पूरे प्लाट में जो है पानी भरा हुआ है। वहीं वैरायटी की बात करूँ तो निजी विदु सीड्स कंपनी का सिंधु धान की वैरायटी लगा है, जो बहुत अच्छा ग्रोथ पकड़ा हुआ है। खाद दवात का शेड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और बस किसी भी तरह ये जो है पानी का धार जो है कम हो जाए, फिर ये मेड़ वेड़ फूट टूट फूट गया है ज़्यादा बहाव से, तो उसको फिर सुधारेंगे और फिर इसमें अगला जो है कैसा मैनेजमेंट करना है उसके बारे में फिर तैयारी करेंगे। आप देख पा रहे हैं धान तो ज़बरदस्त है जी, लेकिन आधा खेत तो पानी से पूरा भरा हुआ है और आधा खेत जो है अभी सूखा है, क्योंकि ये ऊपरी साइड है। ये देख पा रहे हैं आप, खरपतवार के लिए हम लोग ने डाला था, लेकिन फिर से तो भी खरपतवार जो बहुत सारे खरपतवार रुक गए थे, तो उसके लिए हम लोगों ने फिर से